उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा पर तीर्थ पुरोहित और संत समाज में खुशी जताई गई है। दरअसल मंगलवार को देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज आदि ने भेंट कर देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम वापस लिए जाने पर सीएम का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संत समाज की ओर से धन्यवाद भी दिया। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंहवाल है, मैं चारधाम महापंचायत का संयोजक हूँ और गंगोत्री का सचिव जी। और आज तो बड़ा खुशी का दिन है, मैंने कहा नहीं अभी, मैंने पहले भी कहा कि सनातन की जीत है और दूसरी धामी की जीत है। उत्तराखंड का एक शेर धामी है, वाकई में जो बोलता है वो करता है। और मैं तो समझता हूँ कि अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो इनको रोक सके अब आने वाले चुनाव में, और फिर मुख्यमंत्री बनेगा। चारों धाम का आशीर्वाद इनको मिल चुका है। जय गंगा भैया। आपको बता दें कि 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिस पर तीर्थ पुरोहित और हक हकूक धारियों ने आपत्ति जताई थी। इसके गठन के बाद से ही उन्होंने चारों धामों से लेकर जिला मुख्यालय और देहरादून तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन को बढ़ते देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों से 1 महीने का वक्त मांगा था। वहीं जैसे ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा सीएम ने की तो तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उस कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पहले उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट हमको सौंपी, उसके बाद 2 दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया, सभी लोगों की बात की और इस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि निकट भविष्य में, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा पर तीर्थ पुरोहित समाज, व्यापारी और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रही हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर ब्रजेश सती, चारधाम तीर्थ पुरोहित हकहू उधारी महापंचायत का प्रवक्ता। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर के तीर्थ पुरोहितों की, हकहू उधारियों की, रावल पुजारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है आज एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है और चारों धामों को जो है आज देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया है। सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी भावनाओं के अनुरूप जो है इस एक्ट को वापस लिया। यह आंदोलन हमारा 734 दिन से चल रहा था चारों धामों में और आज सनातन धर्म के लिए ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से जो निर्णय उत्तराखंड की राज्य सरकार ने लिया है इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में होगा और जो 4 लाख से अधिक हिंदू मंदिर मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण में है ये मुक्त होंगे और यह राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, इसके लिए हम उनका एक बार। इस मौके पर चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हुकूक धारी महापंचायत समिति के महामंत्री सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और संत समाज के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। सभी ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय को ऐतिहासिक और तीर्थस्थलों के हित में बताया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।